हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजनीश जैन सर के बारे में। एक्चुअली काफ़ी सारे वीडियोज में मैंने उनके बारे में डिस्कस किया है, तो कुछ स्टूडेंट्स का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर रिलायंस जियो में है एंड जियो शायद इंडिया के भी सबसे टॉप टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, तो वहाँ पे सर को रेमुनरेशन क्या मिल रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि जो हमारा प्रोफेशन में जो ऑलरेडी लोग टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंच चुके हैं उन्हें कितनी अर्निंग मिल रही है, बिकॉज हम उससे एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हाँ हम उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं तो हमें भी कितनी अर्निंग मिल सकती है। अगर आप डेफिनेटली अगर लाइफ में कोई भी इंसान अगर अपने सक्सेस के लिए अपने लाइफ में अचीवमेंट के लिए अगर आप वर्क करो तो डेफिनेटली आज ना कल आपको सक्सेस मिलेगा। कोई आपको सक्सेस अचीवमेंट करने से नहीं रोक सकता है। जो भी लोग लाइफ में सक्सेस किए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हार्ड वर्क किया होगा। उनकी सक्सेस हमें दिखती है, उनकी हार्ड वर्क हमें नहीं दिखती। तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर भी उस सक्सेस को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तभी आप सक्सेस कर पाओगे जब आप हार्ड वर्क कर लोगे। तो इसी थॉट के साथ मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन रजनीश जैन सर के बारे में। तो अभी आप देख सकते हो रजनीश जैन सर का एक लेटेस्ट पोस्ट भी है, वो CMA इंस्टीट्यूट का ही है। CMA इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स रिलीज किया, डाटा एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल प्रोफेशनल। इस कोर्स के बारे में भी मैं अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा जरूर। इस कोर्स किसे करना चाहिए, इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सर की। अगर मैं फुल प्रोफाइल अगर मैं आपको देखूँ तो सर का फर्स्टली फोटो आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी सर के साथ है। एंड यहाँ पे सर के बारे में अगर हम देखें तो सर ACA में है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर की वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज में सर ने काम कर रखा है, जैसे जियो के रिलायंस कंपनीज के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए पिछले 14 ईयर्स से वर्किंग है, यानी 15 ईयर्स भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है सर का। इससे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए काम कर चुके हैं ऑलरेडी 4 ईयर्स। उससे पहले इस्पात इंडस्ट्रीज के DGM रह चुके हैं, AGM फाइनेंस रह चुके हैं, इंडोरामा सिंथेटिक्स के सीनियर अकाउंट ऑफिसर रह चुके हैं, BHEL के। तो सारी टॉप अपने आप में मायने रखने वाली कंपनीज है जिसमें ऑलरेडी सर ने काम कर रखा है। और सर संत एग्जीक्यूटिव कॉलेज कोलकाता से इन्होंने BCom ऑनर्स कर रखा है कॉमर्स से एंड सेंट लॉरेंस स्कूल कोलकाता से इनकी स्कूलिंग हो चुकी है और उसका सर ने CMA क्वालिफाई किया। तो ये सर की बात हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सर ने किन किन कंपनीज में काम कर रखा है। इसके अलावा सर के बारे में और कोई डिटेल्स कहीं अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सर की रेमुनरेशन के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास ये रिलायंस जियो की एनुअल रिपोर्ट है, ये 18-19 की एनुअल रिपोर्ट है। मुझे इसके बाद की कोई एनुअल रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं, तो 18-19 की एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पे आप जब नोट्स टू अकाउंट में आओगे तो यहाँ पे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है पेमेंट टू KM पर्सनल। KMP की जो रेमुनरेशन होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो श्री रजनीश जैन सर का यहाँ पे नाम है एंड KMP में, और इनकी रेमुनरेशन 2 करोड़ है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट रुपीज इन करोड़ है 17-18 में भी इनकी 2 करोड़ थी और 18-19 में भी 2 करोड़ है। तो इनकी रेमुनरेशन है और इनके बारे में है और बाकी और आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, इन्हें आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड ऑल दी थिंग्स सर के बारे में। और सर इस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ डाटा एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल प्रोफेशन इसके भी सर पार्ट है। तो काफ़ी अच्छा है हमारे प्रोफेशन के लिए कि हमारे प्रोफेशन के लोग काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे हैं। होप कि आपको ये वीडियो मोटिवेशन दे एंड मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी को भी मतलब कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम्स या क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा अभी मेरे दिमाग में। मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप लोगों को बस मोटिवेट करते रहूँ अपने प्रोफेशन को लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये लोग उस लेवल पे पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। आप मैं हम सब उस वे पे हैं। अगर हम हार्ड वर्किंग सर के तरह करेंगे तो हमें भी उस लेवल पे पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम भी उस लेवल को जरूर अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।